मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा कलवा के आमदार और उद्धव ठाकरे की सरकार में कैबिनेट में गृह निर्माण मंत्री बनाए जाने पर जितेंद्र आव्हाड का आज सत्कार किया गया। एनसीपी कार्यालय के सामने कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान ने यह सत्कार समारोह रखा था। इस समारोह में जब जितेंद्र आव्हाड पहुंचे तो फूलों से उनका स्वागत किया गया और आतिशबाजी भी जमकर की गई। इस समारोह में एनसीपी के ठाणे जिला अध्यक्ष आनंद परांजपे, सैयद अली भाई साहब, तमाम नगर सेवकों, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में जनता मौजूद रही। जितेंद्र आव्हाड ने टीएमसी स्कूलों के बच्चों को किताबें दी तो वहीं जितेंद्र आव्हाड के सम्मान सत्कार में उलमाए इकराम, महिला संगठन शहर के तमाम डॉक्टर बिल्डरों ने इनका सम्मान सत्कार किया। इस दौरान सत्कार करने के लिए लाइन लगी रही, लोग सीढ़ियों पर गुलदस्ता लेकर खड़े रहे कि कब उनका नंबर आएगा। वहीं जितेंद्र आव्हाड ने CAA NRC और मुंब्रा शहर के मुद्दों पर भी खुलकर बोले। इस दौरान कब्रिस्तान का विरोध करने वालों पर और शहर के सड़क, बिजली, पानी के जैसे मुद्दों पर भी अपने विरोधियों पर निशाना साधा। यहां तक कि शहर की कुछ बिल्डरों को भी अपनी राजनीति में न दखल देने को कहा। साथ ही कहा कि वो पुराना जितेंद्र आव्हाड अब नहीं है, अब वक्त बदल चुका है। साथ ही कहा कि गृह निर्माण मंत्री बनाए जाने पर जिम्मेदारी बढ़ गई है, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के करीब 1500 पुलिस कांस्टेबलों को एक बेहतर घर मुहैया कराया जाएगा और मुंब्रा शहर में जल्द ही नई सड़कें बनाई जाएंगी। यानी शहर की सड़कें अब पूरी तरह से कॉन्क्रीट की होंगी और जल्द ही हॉकर्स के लिए हॉकर जोन भी बनाकर दिया जाएगा। देश में CAA NRC के खिलाफ मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कहा कि ये संविधान की लड़ाई है, ना कि हिंदू मुस्लिम की। हमें उस संविधान को बचाना है जो बाबा साहब अंबेडकर ने हमें इस भारत देश में स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया है। आज हम उसी संविधान को बचाने के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। सारे देश में इस कानून का विरोध हो रहा है। इस सत्कार समारोह में जितेंद्र आव्हाड ने कब्रिस्तान पर और CAA पर क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। आपने जो मोहब्बत हरदम दिखाई, 2009 में दिखाई, 2014 में दिखाई, 2019 में दिखाई, सब लोग काम करते आए। कुछ है जो हमारे में ही रह के हमारा ही खाने में नमक छेड़ देते हैं। जिनको बच्चे के जैसे संभाला, वो भी कंधे पे बैठ के अब मेरे सर पे टपली मार रहे हैं। लेकिन चलता है, बच्चा कभी पाप नहीं बन सकता, ये हमेशा याद रखना चाहिए। मेरा पोस्टर देखिए, मेरा पोस्टर। हालांकि मैं आज गृह निर्माण मंत्री हूं, लेकिन कदम कदम पे अगर मैं किसी को मेरे बनाने का हक देता हूं कि आपने मुझे बनाया है, तो मेरे मुंह पे एक ही नाम आता है कि मैं शरद पवार का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद थोड़ा सा कुछ किसे में आ गया तो बनाने वाले को ही भूल जाना, इसको एहसान फरामोशी कहते हैं। यहाँ लोगों को तड़ी पारी से बताया, यहाँ लोगों को हॉस्पिटल जेल में थे तो हॉस्पिटल में लाके सुलाया। ऐसी छन छन बातें की है जो कोई किसी का पाप नहीं कर सकता था, आज वो मुझे आग दिखा रहे हैं। पागल है पागल, कब अंधे हो जाएंगे उनको ही नहीं पता चलेगा। हालांकि मुंब्रा आके मैं क्या करता हूँ मालूम है? तलवा तक आता हूँ तो अलग दिमाग कर रखता हूँ। तलवा में जैसे ही टॉप ये बोलता है साहब तो मुंब्रा चलो, दिमाग निकालता हूँ यहाँ से और साइड में रख देता हूँ। तो उनको लगता है ये गधा है। मैं बिल्डर्स को भी बताना चाहता हूँ कि आपको अगर 6 रास्ते मिले हैं, लाइट मिला है, आपका भाव बढ़ा है, तो उस पैसे का इस्तेमाल आप घर में खुशियां लाने के लिए करिए। बाल बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा सा दिन का काम कीजिए, स्कूल में कॉलेज में हाथ डालिए, सियासत में मत आइए।
क्योंकि तुम्हारा हर फुट बोझा जाता है, इतना याद रखिए। मुझे वो करने मत लगाइए जैसे तुम्हारे धंधे से कमाए हुए पैसे पे मैं नजर नहीं डालता, मेरे सियासत पे नजर मत डालो। 5 साल का दौर मेरा बाकी है। वो जितेंद्र आव्हाड जो 2009 में था, 2014 में था, अब नहीं है। अब मुझे उन गरीबों की सेवा करनी है जिनको विकास क्या होता है वो आज तक नहीं मालूम था। मुझे गली कोपची में जाना। आप आपका काम करिए, पैसे कमाइए, मुझे महाराष्ट्र घूमना है। मैं आज ये स्टेज पे खड़े हैं लोग, ये नगर सेविका है, उनको मैं बताना चाहता हूँ। खाल के अगर आपके लिए चप्पल भी बनाया जाए तो वो भी कम है, इतनी सेवा मैं आपकी करूंगा, क्योंकि मैं एहसान भूलता नहीं हूँ और मैं गद्दारों को माफ भी नहीं करता। आज पहली बार मुमरा के लोगों को मजा देना चाहता हूँ। एक अलग जितेंद्र आव्हाड आपने देखा था, अब एक अलग जितेंद्र आव्हाड देखू। 2014 की कुछ ऐसी घटना है, 2009 से 2014 की, जिस घटनाओं ने दिल पे जख्म कर दिए, जो कभी नहीं भर के आएंगे। और खास करके जिन लोगों ने मेरे कब्रस्तान में तुमने मुमरा वालों को फंसाया ये कहा था, उनको तो जिंदगी में माफ नहीं करूं। आज 600 कब्रें वहां पे हैं, 650। मुझे यकीन है कि वो 650 माँ बहने मेरे भाई जो भी गुजर के वहां पे कब्र में लेटे हुए हैं, वो वहां से मुझे दुआएं दे। मेरे हाथ से इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ने दिया है कि मैं उस काम के लिए कयामत के दिन तक जाना चाहूंगा। उस कब्रस्तान को ना तो कोई मिटा सकता है ना कोई खत्म कर सकता है। और शायद मुझे लाने का जो अल्लाह ने जो निर्णय लिया था, जरिया बनाया था, वो सिर्फ और सिर्फ कब्रस्तान के लिए था, ऐसा मुझे अब जरूर लगा। बाकी तो ब्रिजेस बनेंगे, रास्ते बनेंगे, सब टूटेंगे, फिर नए बनेंगे, लेकिन कब्रस्तान। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जिन लोगों ने कब्रस्तान को बदनाम किया वो सियासत में दफन हो गए, अब फिर से उठ के वापस नहीं आए। यानी कुछ सारे 1 इंच जमीन नहीं ला सकते और 5 एकड़ के कब्रस्तान को बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई, बदनाम करता है तो मुझे शहर में पानी नहीं है बदनाम करो, शहर में रास्ते नहीं है बदनाम करो, शहर में लाइट जा रहा है बदनाम करो, उन कामों के लिए बदनाम करो जो पब्लिक के लिए आप भी कर सकते हो, लेकिन करने का कुछ नहीं। व्हाट्सएप खेलने का और दिन गुजारने का। हालांकि अब उसके ऊपर ध्यान देने के लिए मुझे टाइम भी नहीं है, हमको बहुत काम करना है। 10 साल में जितना किया उससे ज्यादा 5 साल में करके आने वाले 25 साल की सभी समस्याओं को खत्म करने का अल्लाह मुझे ताकत दे। और खास करके मैं आज पूरे मुमरा वालों से बोलना चाहता हूं कि आपको कहीं भी कोई भी ड्रग्स बेचता नजर आए तो सिर्फ मेरे नंबर पे फोन कर देना, आपको 24 घंटे में रिजल्ट दे दूंगा। हमारी जंग जिहाद शुरू हो गया है। और तो मुझे कोई ज्यादा समस्या मुमरा में नजर नहीं आ रही है। ये रास्ता देखो, ये वो बिल्डिंग कहां पे और ये बिल्डिंग कहां पे। अब इतना बड़ा रास्ता, अब थाना में जाइए और बताएं कि इस शहर में इतना बड़ा रास्ता कहां है। ये रास्ता जितना है उतना ही आगे जाके
वाई जंक्शन तक जाने वाला है। ट्रैफिक की समस्या कोई भी नहीं रहेगी आने वाले 2 महीने। गोसावी कुड़े गिले गोसावी मिस्टर गोसावी आठ 15 दिन में मार्केट का प्लॉट हम खोलने वाले हैं। पीपीपी पे मार्केट का निर्माण होगा और मुझे नहीं लगता उसके बाद एक भी हॉकर में है रस्ते पे बैठने दूंगा। सबको बैठना है हॉकर्स प्लाजा में जाके बैठो। और मुझे आपसे भी गुजारिश है कि रस्ते पे बैठे हॉकर से माल खरीदना बंद करो ताकि ये ट्रैफिक की जो समस्या है वो हमेशा के लिए हल हो जाएगी। रस्ते का अब ये एमएम वैली का रास्ता शुरू हो जाएगा लेकिन खास करके सुकून हाइट ग्रे स्क्वायर और एमएम के तमाम रहवासियों को बता देना चाहता हूं कि स्टेडियम से लेके नादुल फला तक पूरा रास्ता कंक्रीट करने का हमने निर्णय लिया है और उसका अमल 1 महीने में शुरू होके मार्च तक पूरा रास्ता खत्म हो जाएगा। दत्तुवाड़ी से लेके रेती बंदर तक पूरा रास्ते कंक्रीट करने का काम शुरू हो जाएगा और आने वाले चंद महीनों में इस बारिश के पहले ये शहर पहली बार पूरा कंक्रीट का हो जाएगा। वो मंजर याद करो कि जब आप कलवा नाके से मुमरा की तरफ आते थे तो रास्ता कैसा था, आज कैसा खूबसूरत नजरिया दिखता है वहां पे। खास करके टैक्स से नाराज मेरे भाई और बहनों को मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कमिश्नर से बात कर रहा हूं, ये अश्लील हमेशा पीछे रखती है। हाँ बस दीजिए बस तो वो भी टैक्स काम कम करने का इंटरेस्ट कम करने का मैं काम कमिश्नर से करवा लेने वाला हूं। हॉस्पिटल का भी काम अब जोर शोर से शुरू है। इस शहर का पहला फुटबॉल टर्फ के ऊपर साइन होके टेंडर होके आने वाले 8-15 दिन में वो भी काम शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ा काम हमेशा पुलिसों को लगता है कि मैं पुलिसों के खिलाफ बात करता हूं, पर मंत्री बनने के बाद 15 दिन में पुलिस के लिए 1500 घरों का 2 साल में निर्माण करने का घोषणा हुई। और हम गरीब पुलिस अधिकारी अधिकारी नहीं खास करके जो कांस्टेबल है उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से 5 साल में होगी ये मेरा विश्वास है। और आप उन पुलिस कर्मचारियों के लिए दुआ करें ताकि उनको एक अच्छा घर मिल जाए। मैंने शंकर मंदिर के तरफ पहला इशारे करने का निर्णय लिया है। वहाँ के जो नगर सेवक है शंकर मंदिर के तरफ हमारी सातपुते ताई हमारी रूपाली कुटे मैडम मोरेश केनी और राजन केनी उन सबको साथ में लेके बैठ के शानू को भी साथ में लेके बैठ के वहाँ पे पहला इशारे का प्रकल्प वहाँ पे करने का काम शुरू किया जाएगा। और तो बहुत सारी बातें बताने जैसी है लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि अब हमारी जंग मोदी के खिलाफ और जोर से शुरू हो जाएगी। मैं कल भिवंडी गया था, मैंने उन लोगों को यही बताया 1927 में पहली बार बाबा साहब अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था जिसमें जात के नाम पे बंटवारा हुआ था। लेकिन तब उस बंटवारों को रोकने के लिए एक भीमराव अंबेडकर थे। मनुस्मृति का दहन करके उन्होंने 1950 में इस देश को संविधान दिया। उस संविधान से क्या हुआ तो घर घर में भीमराव अंबेडकर पैदा हुआ है। तब एक भीमराव ने मनुस्मृति जलाई थी। अब NCR NRP और CAA घर घर में जलाया जाएगा कि उनके
भीमराव अम्बेडकर के विचारों के बच्चे हर गली और मोहल्ले में मौजूद है। अब तो ये सरकार की मुसीबत ये है कि उन्हें उम्मीद थी कि मुसलमान ये कहेंगे, मुसलमान कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान ये नहीं कह रहे हैं। देश का हिंदू और देश का मुसलमान ये कह रहा है कि मेरा तिरंगा खतरे में है, मेरा संविधान खतरे में है और मेरा देश खतरे में है। एनआरसी और सीएए के माध्यम से इस देश का बंटवारा अब तय हो गया, लेकिन हमारी जान चली जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन इस देश का बंटवारा हम कभी भी नहीं होने देंगे। जो देश ब्रिटिशों के हाथ से खींच के महात्मा गांधी ने हमारे हाथ में दिया है, जिन मुसलमानों ने जिन्हा ने दी हुई आवाज को ठुकरा करके इस देश को अपनाया है, वो इस देश से बाहर नहीं जाएंगे। और ये हमारे भाई है, वो हमको भाई मानते हैं, हम दो भाई एक दूसरे का हाथ हाथ में कट पकड़ के गोलवल कर मोदी और हेगड़ेवार के विचार को रोकेंगे, ये कसम हमें खानी चाहिए। लड़ाई हिंदू मुसलमानों की नहीं है, लड़ाई क्या ये देश अंबेडकर गांधी को अपनाएगा, क्या ये देश हेगड़ेवाल गुलवलकर को अपनाएगा, लड़ाई उस पे है। ना इस देश ने कभी गुलवलकर को अपना माना, ना इस देश ने हेगड़ेवार को कभी अपना माना, इस देश ने हमेशा अंबेडकर को और गांधी को अपना मान के इस देश को आगे लेते हैं। हमको सबको समान रखने वाला संविधान, उसको हम हाथ नहीं लगाने देंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।